नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल से। जी दोस्तों, नेपाल को बहुत बड़े सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है इस एक यहां पे क्रैश ने। जी दोस्तों, अब दुनिया भर से सवाल उठ रहे हैं कि क्या नेपाल में अब यहाँ पे एरोप्लेन्स चलनी चाहिए या फिर नहीं चलनी चाहिए। दोस्तों, इसके साथ साथ यहाँ पे ये जो एरोप्लेन क्रेज़ है, ना केवल ये एक हुआ है बल्कि नेपाल है वो रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पे क्रेज़ करने वाला देश बन चुका है। और इसके पीछे के क्या रीज़न है ये भी हम जानने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े देश हैं वो अगर ऐसा कह देते हैं कि नेपाल में एरोप्लेन्स नहीं उड़ानी चाहिए, तो इसका कितना बड़ा लॉस यहाँ पे नेपाल को हो सकता है, ये भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कल अपडेट भी सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से दो ही दिन पहले आपको पता ही होगा, अभी तक तो यहाँ पे ये खबर धीमी भी नहीं पड़ी होगी, यानी कि जो 72 यान था वो क्रैश हुआ था और उसके अंदर 72 लोग थे और अभी तक उनमें से एक भी लोग यहाँ पे हम कहें कि जीवित वापस नहीं निकाला गया। और ये जो यहाँ पे प्लेन है वो पोखरा के लिए रवाना हुआ था काठमांडू से, और पोखरा के अंदर जाने ही वाला था, 10 सेकेंड के बाद उनकी लैंडिंग थी और उसी टाइम यहाँ पे ये क्रैश हो गया। मैं आपको बता दूं कि इस क्रैश के बाद में काफ़ी ज़्यादा सनसनी फैली हुई है पूरे यहाँ पे विश्व के अंदर, और भारत हम कहें कि सॉरी नेपाल की काफ़ी ज़्यादा किरकिरी भी हो रही है, थू भी हो रही है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। क्योंकि दोस्तों, बताया जा रहा है कि अमेरिका अब चाहता है कि नेपाल के अंदर अब एरोप्लेन्स ना उड़ाई जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि नेपाल का जो यहाँ पर इन्वायरमेंट है वो सूटेबल नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या इन्वायरमेंट की वजह से ये क्रैश हुआ था? दोस्तों, अगर देखा जाए अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक तो ये जो क्रैश है वो किसी भी इन्वायरमेंट की वजह से नहीं लग रहा। ये जो यहाँ पे क्रैश है वो लग रहा है सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल इशू से, टेक्निकल फॉल्ट से। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो विमान था जिसका मॉडल काफ़ी ज़्यादा पुराना मॉडल था, और इसी की वजह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये क्रैश हुआ। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो ये जो यहाँ पे रीज़न रहा है वो कहीं ना कहीं सूटेबल नहीं था ये जो नेपाल की हवाओं में उड़ने के लिए जो ये यान है वो। मैं आपको बता दूं कि पिछले 30 साल में 28 क्रैश करने वाला नेपाल एकमात्र देश बन चुका है, और इसी वजह से अब यहाँ पे लोग कतराते हैं कहीं ना कहीं नेपाल के अंदर एरोप्लेन से आने में। और इसका बहुत बड़ा घाटा ये भी है कि नेपाल ने पिछले 2-3 सालों में ही अपने देश के अंदर 2 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी खड़े कर दिए हैं, और जिस पर काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर दिया है। दोस्तों, अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस तरह का क्रैश जो कि लोगों के अंदर डर भी पैदा कर सकता है कि नेपाल के अंदर सेफ लैंडिंग नहीं हो पा रही है, जिसकी बदौलत लोग कम तो आएंगे, ये तो हमको जाहिर सी बात है। और आपने 2 नए यहाँ पे एयरपोर्ट इसलिए नहीं बनाए कि यात्री आपकी एरोप्लेन्स में कम आए, या फिर हम ऐसे कहें कि उन एरोप्लेन्स को घाटा लगे। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं तीसरा जो एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम कहेंगे पोखरा वाला जिसका उद्घाटन हुआ था, उसी जस्ट उसी समय पर आना कहीं ना कहीं नेपाल के लिए और बड़ा घाटे का सौदा है। मैं आपको बता दूं कि नेपाल के अंदर 3 बड़ी कंडीशंस हैं। एक सबसे बड़ी कंडीशंस आप लुकला एयरपोर्ट के अंदर देख सकते हैं, जिसके अंदर जो पाथ है वो काफी ज्यादा संकरा है और दुनिया के सबसे डेंजरस यहाँ पे एयरपोर्ट में से एक है, जिसके ऊपर अगर कोई सबसे बढ़िया पायलट है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी नौसिखिया है तो वो छोटी सी गलती के कारण ही यहाँ पे एयरपोर्ट को क्रैश करा सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों, नेपाल की जो यहाँ पे ऊंचाई वाले पहाड़ियों इस प्रकार के इलाकों के कारण भी क्रैश होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। तीसरी बड़ी बात यह है कि दोस्तों, यहाँ का जो वातावरण है, जो वायुयान ऊपर उठता है उसके जस्ट बाद में कब यहाँ पे वातावरण चेंज हो जाए, कब धुंध आगे आ जाए, इस बात का कोई पता नहीं चलता, और जिसकी बदौलत क्रैश होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। तीसरी बड़ी बात दोस्तों, टेक्नोलॉजी की जो कि इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है अभी तक यहाँ पे, जिसकी बदौलत हम कह सकते हैं कि रडार वगैरह जो कि इतनी ज़्यादा पावरफुल रेंज वाले नहीं हैं,
और इसी की बदौलत जो सिग्नल है वो सही से नहीं मिल पाने की वजह से भी ये सब कुछ काम हो जाते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सारी रीज़न कहीं ना कहीं एक साथ जुड़े तो बहुत बड़े यहाँ पे नुकसान को अंजाम दे सकते हैं, और जैसा कि हमने पहले ही देखा है दोस्तों, इससे पहले भी यहाँ पे हम कहें कि सबसे बड़ा नेपाल के अंदर एयरप्लेन क्रैश हुआ था जिसके अंदर 164 यात्री थे और वो सारे के सारे मारे गए थे, जो कि यहाँ पे आई थी हवाई जहाज पाकिस्तान से। और अब ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे क्रैश हम कह सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में आप क्या राय है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।